हेलो एवरीवन, कैसे हो सब कोई? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज आपके लिए लेके आए हैं डिसोल्यूशन का पूरा चैप्टर नहीं, उसका सब पार्ट्स। अभी इस सीरीज में कुछ कुछ सब टॉपिक्स का वीडियोस आप ये लेके आएंगे बहुत शॉर्ट में, सो दैट उसे एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपका रिविजन हो जाए। आज का अपना टॉपिक, स्ट्रेट अवे टू द टॉपिक पे आते हैं। द टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ लोन बाय अ पार्टनर। पार्टनरशिप में जब डिसोल्यूशन का सम्स करते हो, यू रिमेंबर लायबिलिटीज साइड में पार्टनर का लोन दिया हुआ रहता है, दैट इज लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। फर्म के लिए लायबिलिटी है, उसका ट्रीटमेंट, उसका सिंपल सा ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर नहीं रहती है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे मिस्टर एज लोन 40,000 एंड उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है अगर, तो अपने क्या करते हैं, सीधा उसका पेमेंट बैंक से हो जाता है। दैट मींस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा, सीधा उसका पेमेंट बैंक से हो जाएगा। दैट मींस अपने एग्जाम्पल में उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, मिस्टर एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट अपने एग्जाम्पल में लोन 40,000 का था, 40,000 सीधा बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, लोन अकाउंट खत्म हो गया। डिसोल्यूशन बेसिक याद होगा कि कोई भी लेजर अकाउंट में कोई भी तरह का बैलेंस नहीं रहना चाहिए डिसोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद। तो अगर अपने इसका लोन अकाउंट के हिसाब से सोचते हैं कि मिस्टर एज लोन अकाउंट, सिंस पार्टनर का लोन है, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर तो होता नहीं है, अगर इसके लेजर के एंगल से सोचते हो लॉजिक वाइज, तो क्या होता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिंस ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, टू बैंक करके आप इसका पेमेंट कर दिए, लोन अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो गया। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी विल जस्ट पास एंटी मिस्टर एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेकेंड सिचुएशन क्या है, मिस्टर एज लोन 40,000 लायबिलिटीज में है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिस्टर ए अग्रीड टू एक्सेप्ट ₹35,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन मिस्टर ए 35,000 एक्सेप्ट करने को रेडी है। इसका मतलब बैंक से हमारा पेमेंट 35 का ही होगा, बट लोन अकाउंट में तो 5,000 का बैलेंस रह जाएगा फिर, हाँ या ना, रह जाएगा ना। तो 5,000 रुपया हमारे फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया है। और रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर याद होगा, नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट अगर है तो क्रेडिट हो जाएगा। दैट मीन्स आई होप नाउ यू गॉट द जर्नल एंट्री। फटाफट खुद इसकी एंट्री लिखो, चाहो तो वीडियो को पॉज कर दो, खुद एंट्री को फ्रेम करो, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देख लो, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। मिस्टर एज लोन अकाउंट डेबिट तो 40,000 है, टू बैंक अकाउंट कितना, 35,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना हो जाएगा, 5,000। बहुत क्विकली आज के इस वीडियो में पार्टनर्स लोन से डिफरेंट सिचुएशन जितने भी होते हैं उसका हम लोग रिकैप करेंगे, बट फिर बता दूं जरूरी ये है, इसके लिए आपको डिसोल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पूरा क्लियर है तो ये सर आपके एग्जाम के टाइम में रिवीजन में बहुत काम आएगा। सो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाई एज लोन 35,000, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाई एज लोन 5,000, दैट्स इट। थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं अपने, एज लोन लायबिलिटीज में दिया हुआ 40,000, नीचे लिखा है एन अनरिकॉर्डेड एसेट वर्थ ₹32,000 वॉज टेकन ओवर बाय ए एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 25,000। अनरिकॉर्डेड एसेट जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, वो एसेट ले जा रहे हैं 25,000 में इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन, नॉट इन फुल सेटलमेंट, एंड द बैलेंस अमाउंट वॉज सेटल बाय अ कैश पेमेंट ऑफ 10,000। यार लोन तो 40 का था, अब 32,000 का एसेट जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था वो ले जा रहे हैं, बट एन अग्रीड वैल्यू, सब में आपस में बात हो गया 25,000 में, तो बैलेंस तो 15,000 रहा, बट नहीं, बैलेंस अमाउंट हम लोग सेटल कर दी बाय कैश पेमेंट ऑफ 10,000। तो हिसाब से तो 5,000 और कम पेमेंट की है, वो 5,000 आपको प्रॉफिट दिख रहा है, बिल्कुल वो 500 प्रॉफिट है ही। 25,000 का जो अनरिकॉर्डेड एसेट दिए हो वो भी तो रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा, वो भी तो प्रॉफिट है फर्म के लिए, बिकॉज बुक्स में रिकॉर्डेड था ही नहीं। अनरिकॉर्डेड एसेट को जब सेल करते हो याद होगा उसके एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन,
रिकॉर्डेड एसेट होता है तो भी सेम एंट्री होती है बैंक टू रियलाइजेशन. दैट मींस हमारे यहां पे फर्म के लिए बैंक अकाउंट से तो 10,000 जा रहा है, 30,000 पूरा प्रॉफिट है. 25,000 का जो एसेट दिए वो भी हमारे काइंड ऑफ प्रॉफिट है एंड 5,000 रुपया जो कम दिए. दैट मींस इन दिस केस आवर जर्नल एंट्री वुड बी मिस्टर एज लोन अकाउंट डेबिट. जर्नल्स के थ्रू कौन से वो क्यों क्लियर करना, बिकॉज जर्नल्स का अगर क्लियर है तो लेजर पोस्टिंग तो क्लियर होगी यार आपको. सो मिस्टर एज लोन अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश पेमेंट का मतलब कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है, बैंक अकाउंट है या कैश अकाउंट है. बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट कुछ भी हो सकता है. एंड बैलेंस अमाउंट हमारे लिए पूरा प्रॉफिट हो गया वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 30,000. अब दिस इज क्लियर. सो एज लोन अकाउंट डेबिट अगेन विद 40,000 टू बैंक 10,000 टू रियलाइजेशन 30,000. फोर्थ केस देखते हैं. मिस्टर सी ए पार्टनर टेक्स ओवर स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू 75,000. मतलब ये अनरिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड है वो बोले, लेकिन क्या लिखा अगेंस्ट हिज लोन ऑफ 1,00,000. इन सेटलमेंट या इन फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है. लोन 1,00,000 का था, उसके बदले स्टॉक 75,000 का लेके गए. किस वैल्यू पे लेके, अग्रीड वैल्यू नॉट मेंशन, तो ऑब्वियसली 75 में लेके जा रहा है तो उसका लोन का 25,000 रह गया. एंड इन फुल सेटलमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, 25,000 का एडिशनल पेमेंट फर्म को करना होगा. गॉट इट. लैंग्वेज का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है. 80 out of 80 स्कोर करना है. एंड आई प्रॉमिस मेरे अपकमिंग वीडियोस के थ्रू आपको इतना वीडियोस देंगे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स, अगर आप सिंसियरली इनको ढंग से देखते हो ना, जो कि डेफिनेटली देखोगे आप, 80 out of 80 आपको कहीं नहीं जाना है. सो द एंट्री इज मिस्टर सीज लोन अकाउंट डेबिट कितना, पूरा 1,00,000 टू स्टॉक लेके जा रहे हैं. स्टॉक जो लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा 75,000, क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी अपने रियलाइजेशन के डेबिट में पहले ट्रांसफर कर दिए बैलेंस शीट के वैल्यूज को. बाकी जो बचा अपने को कैश पेमेंट करना होगा. आई अगेन रिपीट क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज इन फुल सेटलमेंट नहीं है, इसका अंडरस्टूड है दैट फर्म को बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा. आई हैव दिस क्लियर. फिफ्थ केस, मिस्टर सी ए पार्टनर टेक्स अ स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू रुपीज 75,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन ऑफ 1,00,000. इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन ऑफ रुपीज 1,00,000. सो इन दिस केस योर एंट्री इज मिस्टर सीज लोन अकाउंट डेबिट. लोन हमारा पूरा 1,00,000 का है, यहां 75 का स्टॉक लेके जा रहा है, वो तो रिलेशन में क्रेडिट हो गई. 25,000 में पेमेंट नहीं करना है, वो भी रिलेशन में क्रेडिट होगा. सो टू रियलाइजेशन अकाउंट दैट्स 1,00,000. सो फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस समझ में आया, वहां पे क्या लिखा हुआ था अगेंस्ट हिज लोन और यहां पे क्या लिखा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन. गॉट इट. नेक्स्ट नंबर 6, मिस्टर सी ए पार्टनर टेक्स ओवर स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 1,20,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन ऑफ 1,00,000. फुल सेटलमेंट में लेके जा रहा है, भले ही लेके जाए, भले ही यहां पे स्टॉक का वैल्यू ज्यादा का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी एंट्री स्टिल सेम रहेगी. मिस्टर सीज लोन अकाउंट डेबिट कितना यार, 1,00,000 टू रियलाइजेशन. सेम केस 1,00,000 ही रहेगा. हैव दैट्स क्लियर. उसमें कम था, 75,000 में लेके जा रहा था तो भी 1,00,000, इसमें 1,20,000 में लेके जा रहा है तो भी 1,00,000. क्लियर. नेक्स्ट नंबर 7, ध्यान से देखना. मिस्टर सी अ पार्टनर टेक्स ओवर स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू रुपीज 1,20,000 एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 1,30,000 अगेंस्ट हिज लोन ऑफ 1,00,000 टू द फर्म. अब यहां पे क्या अग्रीड वैल्यू हमने एक्स्ट्रा एड कर दिया कि 1,20,000 का स्टॉक है वो 1,30,000 की वैल्यू में लेके जा रहा है. लोन था 1,00,000 का, बैलेंस अमाउंट वो सेटल्ड इन कैश. बैलेंस अमाउंट क्या होगा, ऑब्वियसली वो कैश में पे करेगा आपको. बैलेंस अमाउंट पार्टनर फर्म को पे करेगा, 30,000 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है तो फर्म के पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. दैट मींस मिस्टर
सीज लोन अकाउंट डेबिट, फर्म का लायबिलिटी कितना से कम हो रहा है 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट कितना करोगे आप, फर्म के पैसा आ रहा है 30,000, टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में हमारा प्रॉफिट हो गया पूरा 130, आया समझ में। नेक्स्ट नंबर 8, मिस्टर सी ए पार्टनर टेक्स ओवर स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू 1,20,000 एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 31, सेम सिचुएशन अगेंस्ट द लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म, सेम चीज, नया क्या है, बैलेंस अमाउंट वाज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब यहां लिख दिया बैलेंस अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मतलब उसका कैपिटल को डेबिट कर देंगे। दैट मींस इस बार हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, मिस्टर सीज लोन अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, लास्ट टाइम बैंक अकाउंट डेबिट किए थे, इस बार कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,30,000। सोचो लोन को लेकर के कितने डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, लोन का हम लोग तो नॉर्मली एक ही करते थे, हाँ जो भी है लोन का अमाउंट सीधा बैंक से पेमेंट हो जाएगा, बट इस तरह का छोटा छोटा एडजस्टमेंट्स भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, एमसीक्यूज आता है, जो कि आपको बहुत काम आएगा, राइट। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस तरह का और शॉर्ट वीडियोस अभी आपके लिए और आने वाला है एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए, जहां पे आपको ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियो से इंटायर कॉन्सेप्ट एक एक छोटा 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 जो पेचीदा टॉपिक्स था उसका क्लियर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को लेकर के भी आएगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स दे सकते हैं कि आपको और क्या वीडियोस चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी योर डाउट्स at my number 9831255762, wherein I'll be very happy to reply to your queries. Comment section mein bhi aap likh sakte hain. Do share the video with your friends. Thank you so much.